दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज एक बड़ा गैंगवार हुआ है, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के साथ ही दो हमलावर भी मारा गया है। जी हां, दिल्ली के रोहिणी जेल में गैंगवार ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है और पुलिस महकमे के तमाम सुरक्षा के वायदे को धत्ता बताते हुए पुलिस कस्टडी के अंदर ही ये गैंगवार हुआ। पुलिस के अनुसार जेल में बंद मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में शूट आउट हुआ और दो हमलावर को मार गिराया गया। जितेंद्र को 2 साल पहले ही स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। सूत्रों का कहना है कि विरोधी गिरोह ने जितेंद्र पर हमला किया है। खबर है कि गोली चलने से 3 और लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के लिए वकील के भेष में अपराधी आए थे और जेल परिसर में ही घुसे थे और गोली चलते ही जेल में हड़कंप मच गया, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और गैंगस्टर के 2 लोग भी मारे गए हैं, वहीं 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे मामले के बाद स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस की नाकामी साबित होती है। दिल्ली पुलिस अपने इस नाकामी को छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे जरूर कर सकते हैं। जेल के अंदर जो अदालत है उसके चारों तरफ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है ये सभी को पता है। ऐसे में बिना पुलिस के मिलीभगत का इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है, ये लोगों के गले से नहीं उतर रहा। आने वाले समय में पुलिस को इसके लिए जवाब देना होगा और उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।